डायरी दे पन्ने 1 जून तो 30 जून 1984। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। काला दिन 1 जून 1984। पंजाब दे इतिहास विच अज दा काला दिवस है। अज CRP अते BSF ने श्री दरबार साहिब कंपलैक्स ते सारियां पासियां तो बिना किसे भड़काहट 7 घंटे के करीब अन्नेवाह गोलियां चलाईयां, जिन्हां नाल सुनहरी गुंबद ते भी 32 वड्डे निशान पै गए सन। ये गोलियां 12:40 के करीब चलनियां शुरू होईयां ते राती 8:15 के करीब बंद होईयां। अज सवेर तो ही कंपलैक्स वल कुछ तनाव सी। बहुत दिनों तो CRP वाले कंपलैक्स सामने ब्रह्म बूटा मार्केट अते बालानंद दे अखाड़े तक आए हुए सन अते उन्होंने कंपलैक्स दे चारे पासे उच्चियां उच्चियां इमारतां ते अपने मोर्चे बना ले सन अते पहला कई बार श्री दरबार साहिब वल गोली चला चुके सन। अज वाली गल बड़ी मामूली जी सी। श्रोमणी कमेटी वाले अपने सेवादारां दे क्वार्टरां पास अखाड़ा ब्रह्म बूटा वल जिथे अगे मोटा जा संगल लगा हुंदा है दीवार करन लगे सन, जिस ते CRP ने इतराज कीता अते उन्हां नूं रोकिया। काम कर रहे कारीगरां अते मजदूरां नूं परेशान कीता अते पिछों इस बहाने अन्नेवाह गोलियां चलाउणियां शुरू कर दित्तियां। जदों CRP वाले कारीगरां ते मजदूरां नाल खैबड़ रहे सन तां श्री दरबार साहिब दे इनफॉर्मेशन अफसर सरदार नरिंदर जी सिंह नंदा एक जर्मन पत्रकार नूं लै के संत हरचंद सिंह लौंगोवाल जी नूं मिलने जा रहे सन। CRP ने इन्हां नूं भी रोक लिया। सरदार नंदा ने CRP वालियां नूं दस्या कि यह सारी थां श्रोमणी कमेटी की है अते इन्हां नूं दीवार बनाउण तों ना रोको। इस उत्ते CRP दे एक अफसर ने उन्हां ते पिस्तौल तान लिया। यह गुस्ताखी वेख के जर्मन पत्रकार जोर नाल उस अफसर नूं अंग्रेजी विच कहण लगी, तुसीं शैताना ने इस उत्ते पिस्तौल तानण दी जुरत किवें कीती? पहला मैनूं गोली मारो, मैं सारे संसार नूं दसांगी कि तुसीं की हो। इस उत्ते उस समय उस अफसर ने पिस्तौल वापस खोल विच पा लई अते इन्हां नूं अगे जाण दिता। अज दीआं गोलियां विच 11 बंदे मारे गए हन अते कई दर्जन जख्मी होए हन। इन्हां विच बहुते श्री दरबार साहिब दे दर्शन करन आए यात्रू सन। राती 8 बजे 32 घंटे का कर्फ्यू लगा दिता गया। अज श्री दरबार साहिब ते हमला 222 वरे पिछों होया है। इस तों पहला हमला अहमद शाह अबदाली वेले होया सी, जदों के श्री दरबार साहिब की इमारत नूं काफ़ी नुकसान पुजा सी, पर वह तां विदेशी हमलावर सी। अज तां देश आजाद है ते अपने लोगों की चुनी हुई हकूमत है। सरदार बलवंत सिंह रामू वालीए सबका MP ने दसिया कि श्रोमणी अकाली दे प्रधान संत हरचंद सिंह लौंगोवाल ने लाइटनिंग कॉल करके टैलीफोन ते 4 वारी राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह नाल गलबात करन दा यतन कीता, पर वह हमेशा टालदे रहे। पहली कॉल 2 बजे दे करीब मिली, उदों कहा गया कि राष्ट्रपति जी अपने बैडरूम विच हन। दूजी कॉल 2:25 ते मिली तां कहा गया कि राष्ट्रपति बाथरूम विच हन। 3:15 ते तीजी कॉल मिली ते कहा गया ज्ञानी जी किसे समागम ते चले गए हन। अंतली कॉल 4:45 ते मिली तां उन्हां दे सकत्तर श्री देवकी नंदन ने कहा कि राष्ट्रपति जी किसे समागम ते गए हुए हन, उन्हां दे मुड़न ते ओह संत जी दा सुनेहा उन्हां नूं दे देणगे। संत जी ने सकत्तर नाल गलबात करन तों ना कर दित्ती। सरदार रामू वालीए ने संत जी वल्लों देवकी नंदन नूं सुनेहा दित्ता कि राष्ट्रपति गलबात करन तों टल रहे हन, इस हमले नूं रोकण अते हमले दी सख्त शब्दां नाल निखेधी करन तों बिना संत जी वल्लों कहा गया कि इस दी बड़ी कीमत देनी पवेगी। मेरा क्वार्टर कंपलैक्स विच है। दरबार साहिब दे मुख प्रवेश द्वार लागे पंजाब एंड सिंध बैंक दी उपरली मंजिल उत्ते है। मैं कुदरती सवेरे 9 बजे दे करीब अपने पत्रकार साथी PPS गिल वल चलिया गया सी। नाश्ता भी उत्थे ही कीता सी। बाहरों वेला होके 1:15 दे करीब घर वापस आउण लई धर्म सिंह मार्केट लागे पहुंचिया तां रुक रुक के गोली चलण दी आवाज़ आ रही सी। गोली दी आवाज़ तां कोतवाली तक भी आ रही सी। अगे जाना खतरे वाली गल सी। ड्यूटी ते खड़े CRP वाले नूं पुछिया,
वह अगों व्यंग नाल कहन लगा, जाइए जाइए, पत्रकारों को जाने की इजाजत है। पिछों होर कई पत्रकार साथी भी आ गए ते उत्थे असीं 4:30 तक रहे। गोली चलन की आवाज वधी गई। CRP वाले MMG अते LMG वड्डियां राइफलां की वरतों कर रहे सन, जिन्हां नाल श्री दरबार साहब कंपलैक्स के गोलियां के सैकड़े निशान पै गए। मैनू ट्रिब्यून जिथे मैं काम करदा हाँ दे दफ्तर कंपलैक्स वालों सरदार नंदा ते कई होर सनेहियां दे फोन आए कि मैं राती इधर ना आवां ते बाहर ही रहां। कईयां दा ख्याल सी कि CRP रात नूं दरबार साहब विच दाखल होवेगी, सो मैं राती एक होर पत्रकार साथी श्री KS तोमर हिंदुस्तान टाइम्स वाल चला गया। वह उत्थे इकला ही रहिंदा है। बाकी कई पत्रकारां वांग उस नूं कैनाल कलोनी विच काफ़ी वड्डी सरकारी कोठी मिली हुई है। CRP ने यह गोलाबारी इसलिए की ता जो संत भिंडरां वालियां दे समर्थकां वालों कंपलैक्स अंदर बनाए मोर्चियां अते उन्हां दे हथियारां दी वनगी बारे पता चल सके। पिछों फौज ने हमला करन समय इन्हां तत्थां नूं सामने रखिया। हवाला डायरी दे पन्ने सरदार हरबीर सिंह भंवर, आवाज भाई गुरजंट सिंह रूपोवाली। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।